रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन को हमने पहले अच्छे से धो लिया है, पानी से दिखने लगा है, कलर बहुत ही प्यारा आया है। अगर आपको ड्राई चिकन खाना है बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। आज की ये जो चिकन बनी है बहुत ही टेस्टी बनी है और आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। आप अपने घर में बहुत आसानी से इस रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और स्वाद इसका बहुत ही लाजवाब है, तो हर किसी को पसंद आने वाला है ये चिकन, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले इस चिकन के लिए हम एक पेस्ट रेडी करेंगे, जिससे कि चिकन का टेस्ट जो है वो एकदम रेस्टोरेंट जैसा आएगा। तो एक कढ़ाई में डालेंगे 6 सूखी लाल मिर्च और 15 काजू, दोनों को हम कुछ सेकंड भूनेंगे। जैसे ही काजू और लाल मिर्च के ऊपर हल्का कलर आ जाएगा, इसे हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। तेल पे काजू और लाल मिर्च भून गया है, इसे आप एक प्लेट में निकाल लें और जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर के बाद लाल मिर्च और काजू दोनों ठंडा हो चुका है। अब इसे हम बिना पानी डाले पहले पीसेंगे। पानी नहीं डालना है आपको, नहीं तो ये पीसेगा नहीं जल्दी से। यहाँ पे काजू और लाल मिर्च को हमने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि टमाटर डालेंगे, तो दो मीडियम साइज के टमाटर का हमने इस्तेमाल किया है। पानी नहीं डालेंगे, बस टमाटर डालकर हम इसे फिर से पीसेंगे और तीनों का हम एक साथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट रेडी है, काजू टमाटर और लाल मिर्च का। ये पेस्ट बहुत जरूरी है इस चिकन के लिए। अब हम फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे सरसों तेल लगभग 1/4 कप के आसपास। आप तेल अपने हिसाब से ऐड करें चिकन में। जैसे ही तेल गरम होगा इसमें प्याज डालेंगे, तो दो बड़े साइज के प्याज को हमने यहाँ पे बारीक काट लिया है। इस प्याज को हम बारीक काट करके ही इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे तेल हमारा गरम हो चुका है, तो इसमें हम ये प्याज डाल देंगे। और अब इस प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, ब्राउन कलर का ना दिखने लगे। तो फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें और इस प्याज को चलाते हुए अच्छे तरीके से भूनें। इसे ढकने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट यहाँ पे हो चुका है प्याज भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि जो कच्चा फ्लेवर है प्याज का वो निकल गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। अदरक लहसुन को भी हम प्याज के साथ ही भूनेंगे। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने क्रश किया हुआ अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। लगभग 15 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक के टुकड़े को हमने एक साथ क्रश कर लिया है, एक साथ अच्छे से कूच लिया है खलबट्टे में। इस अदरक लहसुन को भी हम प्याज के साथ चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है ब्राउन ना हो जाए। और अब यहाँ पे ये जो प्याज अदरक लहसुन है कलर चेंज हो गया है इनका, ब्राउन कलर का दिखने लगा है। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 kg यानी कि 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन को हमने पहले अच्छे से धो लिया है पानी से। टोटल चिकन हम प्याज में डालेंगे और अब इस चिकन को हम भूनेंगे लगभग 5 से 7 मिनट। तो आपको इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही इस चिकन को भूनना है चलाते हुए। आपको इसे ढकने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे बॉयलर चिकन का इस्तेमाल किया है। आप अगर देसी चिकन बना रहे हैं तो आप उसे ढक कर पकाएं तो अच्छी तरीके से पकेगा। ये जो चिकन है बहुत जल्दी पक जाता है, तो आपको इसे ढकने की जरूरत नहीं है। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि नीचे से जले नहीं चिकन आपका और अच्छे से चारों तरफ से भून सके। यहाँ पे टोटल 7 मिनट हो चुका है इस चिकन को भूनते हुए। अब हम क्या करेंगे कि इस चिकन में डालेंगे नमक, तो स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड करें। और अब इस नमक को मिला देंगे अच्छी तरीके से चिकन में और इस चिकन को हम चलाते हुए 2 मिनट और भून लेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुका है नमक डालने के बाद इस चिकन को भूनते हुए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, तो 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा चिकन में। तीखापन के लिए हमने पेस्ट बना करके रखा है टमाटर काजू और लाल मिर्च का। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे इसमें, 1/4 छोटी चम्मच के आसपास डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। और अब इन मसालों को हम अच्छी तरीके से चिकन में मिलाते हुए भूनेंगे।
लगभग आपको 5 मिनट इन मसालों को भूनना है चिकन के साथ। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इन मसालों को भूनते हुए, बस 5 मिनट आपको मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए भूनना है। और अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है मसालों को भूनते हुए, मसाले अच्छे से भून गए हैं चिकन के साथ। अब हमें क्या करना है कि इस चिकन में अब हमें डालना है पेस्ट काजू टमाटर और लाल मिर्च का, जिसे हमने पीस करके रखा था, इसे हमने कटोरी में निकाल लिया है जार के अंदर से। टोटल पेस्ट हम इस चिकन में डालेंगे और अब इस पेस्ट को भी हम 5 मिनट भूनेंगे चिकन के साथ। थोड़ा सा हमने यहाँ पे पानी डाला है कटोरी में, जो मसाले लगे थे उसका इस्तेमाल करने के लिए। ज्यादा पानी नहीं डालना है आपको, बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब इस पेस्ट को भी हम 5 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। और अब यहाँ पे पेस्ट भी हमारा 5 मिनट भून चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं साइड से पूरा तेल दिखने लगा है, कलर बहुत ही प्यारा आया है। अगर आपको ड्राई चिकन खाना है तो आप इसे ढक ढक कर, पेस्ट डालने के बाद इस चिकन को ढक ढक कर पकाएं लो फ्लेम पे, और जब चिकन पक जाएगा अच्छे तरीके से तो ये आपका ड्राई चिकन बन जाएगा। और अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए तो बस आप इसमें एक कटोरी पानी ऐड करें। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे और अब इसमें हम लास्ट में डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। जरा सा हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे जिससे कि रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी अगर है आपके पास तो जरूर डालें। धनिया पत्ता भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, हमने धनिया पत्ता नहीं डाला है। और अब अच्छे से मिला देंगे गरम मसाला और कसूरी मेथी को। इसे मिलाने के बाद अब इस चिकन को अब हम यहाँ पे ढकेंगे। पूरे प्रोसेस में आप देखे होंगे कि हमने चिकन को नहीं ढका है, बिना ढके ही पकाया है। अब लास्ट में पानी डालने के बाद इसे हम ढककर 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट में लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। 15 मिनट में ये जो चिकन है बंद करके रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये जो चिकन है हमारा बिल्कुल 15 मिनट हो चुका है ढककर पकते हुए। और यहाँ पे ये जो चिकन है बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। आप ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी पसंद हो। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी यहाँ पे चिकन हमारा बन करके तैयार हो चुका है। चिकन अच्छे से पक गया है और ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो बहुत ही टेस्टी यहाँ पे ग्रेवी भी बन करके रेडी हुई है। तो एक बार आप इस तरीके से अपने घर में रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए आप सबको बहुत पसंद आएगा, उंगलियां चाट चाट कर आप खाने वाले हैं।